Hello guys, welcome back to the channel. Hope you all are having a fabulous day and you are safe wherever you are. सबसे पहले यार, a Merry Christmas to all of you यार, and I hope and I pray that RN Jesus this time blesses you with a CDP of rage. और अगर नहीं मिलता यार तो please गाली मत देना, please please. भाई समझ के भाई. So what we are going to do today is very very interesting and very very special video यार. This team up. Cyclops lead, Seren Rogers and Mystique as a support is the best team to go to the highest stage of Null World Boss Legend. And you can't imagine how powerful, how strong this team is. So what we are going to do today is we will be using Cyclops as a leader. As you know, he is one of the best leader in the game. So yaar, hum use karenge uska leadership that is applies to all allies, 35% increase of all attack and 4-star passive which gives 30% increase of energy attack. So yes yaar, ye thi Cyclops cable. And yes, one more thing, mere Cyclops pe yaar CDP of insight hai jo ki super villain ke khilaf 20% increase damage deta hai. So that usko bhi mind mein rakhna hai. Mystique ko hum log generally use karenge uska tier 2 passive ke liye, that is increases damage to super villain faction by 40%. To aur यस वी कभी कभी अगर मुश्किल में पड़ जाए तो हम लोग टीयर 2.5 भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे मिस्टेक की. सो यार और क्या बताऊँ यार, सेरेन रॉजर्स द बेटी ऑफ MFF यार, अभी भी यार 2020 ऑलमोस्ट एंड हो गया, 2021 में हम आ गए, बट सी इज इनसेन, अभी भी अमेजिंग है एंड वर्ल्ड बॉस लेजेंड के लिए मेरे ख्याल से द बेस्ट है. तो इग्नोर डिफेंस, अटैक स्पीड, कूल डाउन सब मैक्स आउट है एंड क्रिक डैमेज देख सकते हो यार 10% कम है. तो यार अनबिल्ट है यार मेरा तो सेरेन रॉजर्स, अनरैंक्ड है, तुम सब देख सकते हो. एंड गियर्स आर ऑल एट 25, कोई ऑडियंस ब्लेसिंग नहीं दी है. नॉर्मल उरूज के साथ हम लोग करने जा रहे हैं वर्ल्ड बॉस लेजेंड स्टेज 7 या गाइस. एंड यस यार, स्किल्स सारे के सारे लेवल 6 पे हैं. थोड़ा सा टाइप एनहांसमेंट, ओके एनहांसमेंट फेल हो चुका है यार, लक भी बहुत खराब है. सो लेट्स होप दैट वी कैन क्लियर स्टेज 7 वर्ल्ड बॉस लेजेंड दिस टाइम. फुली अवेकन पावर ऑफ एंग्री हल्क स्टेज 12 बोनस एक्टिवेट है एंड वन ऑफ द चुम्मेश्वरी सीटीपी ऑफ एनर्जी जो मेरे पास है वो मैंने दी हुई है टू द बेटी ऑफ MFF. यूनिफॉर्म जो है मिथिक पे यार, सिर्फ दो यूनिफॉर्म बोनस है, कैप्टन अमेरिका एंड स्पाइडरमैन स्टेल्थ सूट, दोनों ही मिथिक पे यार. तो तुम देख सकते हो यार, मतलब अनबिल्ट बोल सकते हो, बहुत हाईली बिल्ड है नहीं. और जहाँ तक बात रही कार्ड्स की तो देख सकते हो यार मेरे कार्ड इफेक्ट तुम सब. सो अराउंड 57% एनर्जी अटैक मुझे मिल रहा है, कोई प्रॉक वगैरह नहीं है, एनर्जी अटैक प्रॉक वगैरह कुछ नहीं है. यस मैंने कार्ड क्राफ्टिंग स्टार्ट की हुई है तुम देख सकते हो, बट अच्छे स्टैट्स मिले नहीं, एक ही मैक्स एचपी जो था मेरा वो अच्छा स्टैट्स मिला एंड अभी तक 6-star हुआ नहीं है. सो लेट्स होप मैं जल्दी करूँ. तो कोई एडिशनल पियर्स डैमेज वगैरह कुछ भी नहीं, कंसंट्रेशन इंक्रीज वगैरह कुछ नहीं. सो नॉर्मल बिल्ड के साथ लेट्स सी इफ द बेची ऑफ MFF कैन क्लियर स्टेज 7 वर्ल्ड बॉस लेजेंड नल. सो ओके यार, टीम के बारे में बात अगेन कर लेते हैं. साइक्लॉप्स एज अ लीडर, मिस्टिक एज अ सपोर्ट एंड सेरेन रॉजर्स एज द मेन DPS डीलर. एंड यस यार, वन इंपॉर्टेंट थिंग जो सेरेन रॉजर्स के पास है बोनस के तौर पे वो मैं बताऊंगा थोड़ी देर में. स्ट्राइकर्स देख सकते हो तुम सब, इंक्रीज डैमेज टू सुपर विलन वाले स्ट्राइकर्स लेके जा रहा हूँ ऑल पांचों के पांच. सारे के सारे व्हाइट फॉक्स की जगह तुम ब्लू मार्वल निक फ्यूरी को किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हो यार. सो सबसे पहले यार बात कर लेते हैं रोटेशन के बारे में. तो रोटेशन जो है यार बहुत ही सिंपल है, 3 cancel 5 cancel 4 proc, बस इतना ही तो करना है यार. और यस यार, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो है सेरेन रॉजर्स के पास डैमेज एक्युमुलेशन यार. तो उसका एडवांटेज लेना होगा तुम्हें बीच बीच में, जैसे मैंने यहाँ लिया एंड बूम, लुक एट दैट डैमेज गाइस. सो आपको 3 skill जो है सेरेन रॉजर्स की उसे ध्यान से इस्तेमाल करना होगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट यार. टीयर 3 ऐसी इतना ईजिली हिट नहीं होता है, बहुत लोग गड़बड़ाते हैं टीयर 3 हिट करने में यूजिंग सेरेन रॉजर्स. इट इज़ बिकॉज टीयर 3 जो है सेरेन रॉजर्स का वो आई फ्रेम नहीं है एंड ईजिली गार्ड ब्रेक हो सकता है, इसलिए कैंसिलेबल है. तो आपको ध्यान रखना है कि नल जब अपना कोई अटैक फिनिश करता है उसी के 2 सेकेंड के अंतराल में, यानी इन बिटवीन आप इस्तेमाल करोगे अपना टीयर 3.
सो जैसा कि तुम सब देख सकते हो यार कि Tier 3 रेडी है, बट मैं अभी अटैक नहीं करने वाला क्योंकि सिम्बियोट अटैक आने वाला है। एंड ओके, सो नाउ आई विल हिट द Tier 3 राइट देयर, क्योंकि नल जो था अभी अपना अटैक कंप्लीट किया, और वो दूसरा अटैक करने से पहले हम लोगों को अपना Tier 3 हिट करना था। सो ये इंपॉर्टेंट टिप है यार, जब भी आप सेरन रॉजर्स इस्तेमाल करो, सबसे हार्ड मैं बोलूँगा, बाकी Tier 3s के साथ इतना हादसा नहीं होता जितना सेरन रॉजर्स के साथ होता है, क्योंकि नल बहुत ईजिली सेरन रॉजर्स का Tier 3 को कैंसिल कर सकता है। एंड यार सेरन रॉजर्स का मेन जो DPS है, दैट बर्स्ट डैमेज जो है यार, वो Tier 3 में, तो वी आर डूइंग रियली रियली ग्रेट यार। 1:30 में हमने उसे अपना फेस चेंज करने पे मजबूर कर दिया है, यस मजबूर। तो यार लेट्स सी, यहाँ पर मैंने डैमेज एक्युमुलेट किया एंड लेट्स सी द डैमेज। यू कैन सी गाइस, जब आप डैमेज एक्युमुलेट करते हो द डैमेज इज़ रियली रियली गुड, एंड नल जो है कंटिन्यूसली अटैक करता रहता है तो डैमेज एक्युमुलेशन इज़ नॉट वेरी वेरी टफ। यहाँ पर वो अपना वन ऑफ द मोस्ट डेडली अटैक करेगा, तो मैंने स्विच कर लिया सो दैट कि मुझे कोई एक्स्ट्रा डैमेज ना मिले, पेनल्टी ना मिले। साइक्लोप्स को मैं यार बेट का तरह इस्तेमाल करता हूँ, अगर मरना है तो वही मरे ना यार, क्यों बाकियों को मारना। यहाँ पर मैं अपना Tier 3 हिट करूँगा, लेट्स सी द डैमेज। उतना अच्छा प्रॉक नहीं मिला, वी शुड हैव ब्रॉट हिम टू 22 बार्स राइट देयर वो Tier 3 के साथ, बट यार थोड़ा सा कॉम्बो में प्रॉब्लम आ गई, इसी वजह से नहीं हुआ। सो वी माइट गेट इट हियर, राइट हियर, ओके ओके ओके, सो यस। सो 22 बार्स में वो अपना नेक्स्ट फेज चेंज करता है, एंड दिस टाइम कोई अटैक नहीं, थोड़ा सा राउंड करो, एंड दिस इज़ द डेडलीएस्ट अटैक यार, इससे बचना बहुत ही इंपॉर्टेंट। नाउ अगेन आपके पास 5-6 सेकेंड्स है, अपना जितना अटैक कर सकते हो करो, एंड अगेन वो स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद राइट फ्रॉम हियर जो नल है, करीब करीब 15 सेकेंड जितना एक लॉन्ग टाइम में लगातार डेडली अटैक्स करेगा। लाइक हियर ही पुल्ड हिज स्वॉर्ड, आई विल स्विच टू साइक्लॉप्स, एंड जो उसने अपना वन ऑफ द डेडलीएस्ट अटैक किया है। नाउ इसके तुरंत बाद अटैकिंग नहीं करो गाइस, प्लीज़ बहुत गलतियां करते हैं, अटैक करोगे बहुत ज़्यादा नल जो है बहुत भागता है। नाउ ही विल गो इन टू एन आई फ्रेम, एंड ये भी एक डेडली अटैक है। इसके बाद वो अगेन वो टोर्नेडो वाला बहुत ही डेडली अटैक है यार ये, तो इससे भी बचा। एंड नाउ आई विल स्विच अगेन टू सेरन रॉजर्स, ओके थोड़ा सा मिस्टेक का मैंने डैमेज लिया है गाइज, यस थोड़ा बहुत इस्तेमाल किया। नाउ आई विल टैग टू सेरन रॉजर्स एंड बूम आई विल हिट द Tier 3, एंड यू कैन सी द डैमेज गाइज। सो Tier 3 अगर आपके पास मौजूद है तो डायरेक्ट हिट मत करो यार, थोड़ा सा वेट करो, सही टाइमिंग ज़रूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है नल वॉल बॉस अल्टीमेट में पेशेंस रखना। अगर आप इम्पेशेंट हो यार डेफिनेटली मर जाओगे, डैमेज के पीछे मत जाओ, जस्ट यूज़ योर माइंड एंड बी पेशेंट, और टाइमिंग के हिसाब से अटैक्स करो, स्पेशली विथ सेरन रॉजर्स यार। Tier 3 बहुत ही सेंसिटिव है, बहुत ही क्रिटिकल है, ईजली आपका Tier 3 कैंसिल हो सकता है। सो नाउ आई हैव टू ब्रिंग हिम टू 7 बार्स, और मेरे पास टाइम बहुत कम है। अगर मैं अराउंड 30 सेकेंड के करीब उसे 7 बार्स के करीब ले आऊँ, देन आई विल हैव इनफ टाइम। तो यार अब हुआ यहाँ पर अटैक खत्म, नाउ इट्स माई टर्न बेबी। सो ओके नाउ अब मेरा टर्न आ चुका है, देख सकते हो यार जब डैमेज एक्युमुलेट होता है ना, द डैमेज इज़ रियली रियली गुड। और यार बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स निकल के आ रहे हैं वर्ल्ड बॉस अल्टीमेट लेजेंड नल के लेकर के, अगर चाहते हो उस पर वीडियो बनाओ तो यार हिट करना यार, बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक है, तो ज़रूर लाऊंगा उस पर वीडियो। तो राइट नाउ अब थॉर यहाँ पर आएगा, एंड फ्रॉम देयर जैसे ही वो अपना स्वॉर्ड नीचे की ओर गिराएगा, हमारे पास 15 सेकेंड होंगे नल को किल करने के लिए। सो हियर थॉर अराइव्ड, एंड अब वो जाके स्टन किया, और यहाँ से हमारे पास ऑलमोस्ट 20 सेकेंड्स है, क्योंकि 5 सेकेंड का गैप लेता है, एंड एज ही विल पुल हिज स्वॉर्ड अप, यहाँ से हमारे पास जो है 15 सेकेंड्स हैं। सो मैंने स्विच किया मिस्टेक पे, एंड ओके 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 7-6 एंड बूम यार 6 सेकेंड करीब टाइमर बचा हुआ था, एंड वी डिड स्टेज 7 वर्ल्ड बॉस लेजेंड। सो यार दिस टीम इज द बेस्ट टीम अप टू गो अगेंस्ट नल फॉर रियली हाई स्टेजेस। और अगर आपके पास मेरे कार्ड से ज़्यादा एनर्जी अटैक हैं तो डेफिनेटली यार स्टेज 10 तक जा सकते हो, मैं भी स्टेज 10 के लिए पुश कर रहा हूँ, एंड आई विल डू इट वेरी सून। कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स निकल के आए हैं जिसका हेल्प लेके हम हायर स्टेजेस क्लियर कर सकते हैं। सो यार अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, एंड टिल देन यार बी सेफ, सी यू इन द नेक्स्ट वन।